जी हाँ दोस्तों, बीबी हरियाणा से दशहरा में सबसे बड़ा तोहफा आ रहा है, 3100 रुपये सभी के खाते में आएगी बुढ़ापा पेंशन। अभी अभी कर दिया सीएम खट्टर ने ऐलान, कहा कि बुढ़ापा पेंशन जो सभी की 2750 थी वो दशहरा में डायरेक्ट 3150 रुपये सभी के खाते में दशहरा से पहले ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो बीबी हरियाणा से नया लेटर और नया मैसेज आया है कि कई बुजुर्ग दंपतियों के खाते में बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन भी 3100 रुपये पहुंच गई है, और हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके खाते में कई महीने की बुढ़ापा पेंशन ही रुक गई है, तो वो कृपया करके कार्यालय में जाएं और अपनी फैमिली आईडी में इनकम को ठीक करवा लें, जिससे उन्हें स्वतः पता चल जाए कि उनकी बुढ़ापा पेंशन क्यों कटी है और बुढ़ापा पेंशन जो कटी है वो चालू क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों, हरियाणा से लगातार सीएम खट्टर यही ऐलान कर रही है कि दशहरा में सभी के खाते में 3100 पेंशन आएगी, और कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके खाते में 3100 रुपये पेंशन आ गई है। सीएम खट्टर जब स्टेज पे बुलाते हैं बुजुर्गों को तो उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारी बुढ़ापा पेंशन आ रही है कि नहीं, और जिनकी बुढ़ापा पेंशन नहीं आती है उनको सीएम खट्टर बुढ़ापा पेंशन खुद देने का ऐलान करते हैं और एक लेटर देते हैं। तो इससे जुड़े रहें।